हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर आशी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि मैं फ्रेंड्स अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी को इस समय बीए थर्ड ईयर की ज्योग्राफी के सेकंड पेपर यानी फ्रेंड्स पर्यावरण अध्ययन का बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप सभी को तैयारी करा रहा हूं, जिसके अंतर्गत मैंने फ्रेंड्स इसका आप सभी को पार्ट नंबर 7 यानी फ्रेंड्स कितने पार्ट, तो आप सभी को 7 पार्ट तरीके से 7 पार्ट आप सभी को प्रोवाइड करा दिया है। ये फ्रेंड्स मेरा 8वां पार्ट है जिसे फ्रेंड्स आप सभी को मैं डिस्कस आज करने वाला हूं। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि जो फ्रेंड्स हम लोगों का टारगेट है वो फ्रेंड्स 90+ अचीव करना अपने बोर्ड रिजल्ट में। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को क्या करना है फ्रेंड्स 90+ स्कोर करना है, ये फ्रेंड्स आप सभी को भी 90+ नंबर लेना है। तो आप लोग जरूर से जरूर अपने परिवार अंकित लेक्चरर से जुड़ जाइए। यानी फ्रेंड्स क्या करना है आप सभी को, केवल वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को क्या करना है फ्रेंड्स प्रेस कर लेना है। जब तक फ्रेंड्स आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक फ्रेंड्स आप सभी को हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए मैं फ्रेंड्स आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप लोग जरूर से जरूर इस चैनल को क्या करें फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि आगे का वो कौन से जो हमारे अतुलकुत्रीय महत्वपूर्ण प्रश्न है जो फ्रेंड्स आज हमारे इस वीडियो के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जल प्रदूषण कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे ज्योग्राफी सेकंड के पेपर के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि जल प्रदूषण आखिरकार क्या है। तो मैंने फ्रेंड्स इसके बारे में फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा भी है कि जल में प्रदूषकों का इतनी अधिक मात्रा में समावेश कि वह जल की सहन क्षमता से अधिक हो और प्राणी मात्र के लिए हानिकारक हो जाए उसे जल प्रदूषण कहते हैं। यानी फ्रेंड्स मैंने क्या लिखा है, तो मैंने फ्रेंड्स कह सकते बहुत ही सिंपल भाषा है यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी को समझाने का प्रयास किया है कि जल में प्रदूषकों का इतनी अधिक मात्रा में समावेश, यानी फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितने भी ठोस अपशिष्ट होते हैं या जो द्रव अवशिष्ट होते हैं या कैसे किसी भी प्रकार के जो अवशिष्ट होते हैं, तो ये फ्रेंड्स उन्हीं सभी अवशिष्टों का क्या करते हैं फ्रेंड्स हम किसी जल में फेंक देते हैं फ्रेंड्स नालियों के द्वारा, या फ्रेंड्स आ गया कोई कह सकते हैं मलबा या फ्रेंड्स जो मैले कुचेले पदार्थ हो गए उन पदार्थों का या कह सकते हैं किसी फैक्ट्री के द्वारा निकले हुए पदार्थों का, तो उन सभी पदार्थों का क्या करते हैं फ्रेंड्स हम वो फ्रेंड्स क्या होता है कि वो फ्रेंड्स हमारे बेकार मटेरियल कह सकते हैं कि वेस्ट मटेरियल होते हैं। तो ये फ्रेंड्स उन सभी मटेरियल को ले जाकर कोई अगर जल में फेंक देता तो यह क्या होता था फ्रेंड्स वो हमारा जल प्रदूषित हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जल में प्रदूषकों का इतनी अधिक मात्रा में समावेश, यानी फ्रेंड्स उन कह सकते हैं कि गंदे जो मटेरियल है कह सकते हैं जो डर्टी मटेरियल है उन मटेरियलों का उस जल में बहुत ज्यादा समावेश, यानी फ्रेंड्स अधिक मात्रा में समावेश कि वह जल की सहन क्षमता से क्या फ्रेंड्स अधिक हो जाए, यानी फ्रेंड्स जो उसकी जल की भी सहन क्षमता हो उससे भी फ्रेंड्स क्या हो जाए अधिक हो जाए और प्राणी मात्र के लिए, यानी फ्रेंड्स किसके लिए, तो फ्रेंड्स प्राणी यानी फ्रेंड्स मानव के लिए फ्रेंड्स वो क्या हो जाए बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाए उसे फ्रेंड्स क्या कहते हैं उसे फ्रेंड्स जल प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो उसे ही जल प्रदूषण कहते हैं। तो आई होप आपको इसको समझ में आ रहा होगा कि जल में पाए जाने वाले वेस्ट मटेरियल को, यानी फ्रेंड्स क्या कि जल में पाए जाने वाले वेस्ट मटेरियल को जो प्राणी मात्र के लिए बहुत ही ज्यादा क्या फ्रेंड्स हानिकारक हो उसके लिए फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा घातक हो वो फ्रेंड्स क्या कहलाता है, तो वो फ्रेंड्स हमारा कहलाता है जल प्रदूषण। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जल प्रदूषण क्या है। इसके आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि मैंने जल प्रदूषण के बारे में और क्या लिखा है। तो मैंने फ्रेंड्स इसके बारे में और कुछ ऐसा बहुत ही आशय के लिए जबरदस्त पॉइंट लिखा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, किसके अनुसार फ्रेंड्स, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कहा गया है फ्रेंड्स जल प्रदूषण के बारे में कि जब प्राकृतिक या अन्य स्रोतों से, यानी फ्रेंड्स क्या कि जब प्राकृतिक या अन्य स्रोतों से वह पदार्थ जल में मिल जाते हैं जिनका दुष्प्रभाव जीवों के स्वास्थ्य पर पड़ता है, जल में विषाक्तता आ जाती है, जल के सामान्य ऑक्सीजन स्तर में गिरावट आती है, जल जनित महामारियां जो फैलती हैं तथा अन्य दुष्प्रभाव पड़ते हैं, तो उसे जल प्रदूषण कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बहुत ही जबरदस्त इसका कह सकते हैं कि एग्जांपल या कह सकते हैं बहुत ही जबरदस्त इसका रूप परिभाषा दिया गया है जल प्रदूषण का। जैसा कि भली बात आप सभी देख ही रहे हैं कि यहां पर फ्रेंड्स आप सभी को बताया गया है कि जब प्राकृतिक या अन्य स्रोतों से, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जब प्रकृति के द्वारा या मानव के द्वारा किसी भी कह सकते हैं किसी भी अन्य स्रोतों से द्वारा जो वह पदार्थ होते हैं जो फ्रेंड्स किसमें मिल जाते हैं, तो जो फ्रेंड्स जल में मिल जाते हैं फ्रेंड्स उस पानी में मिल जाते हैं जो फ्रेंड्स हमारे गंदे मटेरियल या फिर जो डर्टी मटेरियल होते हैं, तो फ्रेंड्स जिनका दुष्प्रभाव जीवों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। कह सकते हैं कि ये फ्रेंड्स मान लें कि कोई फ्रेंड जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो मानव होता है वो फ्रेंड्स बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि बुद्धिमान प्राणी माना भी गया है और फ्रेंड्स है भी वास्तविक रूप से, तो ये फ्रेंड्स क्या कहता है कि वो फ्रेंड्स पानी ही पीना हुआ तो उसे फ्रेंड क्या प्योरीफाई कर लेगा अच्छे तरीके से उसे फ्रेंड ठंडा कर लेगा, फिर बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट आ गए जिससे फ्रेंड्स वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से उस पानी को बनाकर फिर पीता है, फ्रेंड्स उसे कह सकते हैं कि बहुत ही सरल भाव में पीता है, कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा बनाकर उसमें फ्रेंड्स किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया वायरस को एकदम बैक्टीरिया वायरस लेस कर देता है तब पीता है। लेकिन फ्रेंड्स जो जानवर होते हैं जो हमारे कह सकते हैं कि जो हमारे फ्रेंड्स एनिमल्स होते हैं उनको तो फ्रेंड्स इतना ज्यादा कह सकते हैं कि वो कर ही नहीं सकते हैं, तो ये फ्रेंड्स क्या होता है कि वो ये दो फ्रेंड्स प्यास तो उनको भी लगती है, फ्रेंड्स प्यास मानवों को भी लगती है, तो ये फ्रेंड्स उनको सबको प्यास लगती है, तो फ्रेंड्स क्या कहा जाते हैं तालाब के पास जाते हैं, कह सकते हैं कि किसी कह सकते हैं समुद्र के पास नदी के पास इन सभी के पास जाते हैं। तो ये फ्रेंड्स क्या होता है कि इसमें फ्रेंड्स हम वेस्ट मटेरियल को क्या करेंगे कि डर्टी मटेरियल को उसमें फ्रेंड्स हम फ्लोक फेंक देंगे, तो जिससे फ्रेंड्स को क्या हो जाएगा तो वो फ्रेंड्स प्रभावित हो जाएगा, फ्रेंड्स वो बहुत ज्यादा गंदा हो जाएगा,
और फ्रेंड्स उसे क्या करें फ्रेंड्स, उसी जीव ने उसको क्या करें फ्रेंड्स, पी लिया। तो क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स हो जाएगा कि जिसका दुष्प्रभाव जीव के स्वास्थ्य है फ्रेंड्स, उस जीव के स्वास्थ्य पर उसका बहुत ही बड़ा क्या जाएगा फ्रेंड्स, इफेक्ट डालेगा। और फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जल में विषाक्तता या फ्रेंड्स जल एक विष के समान है फ्रेंड्स, क्या कि एक जहर के समान आ जाती है फ्रेंड्स, जहर के समान वो बन जाती है। जल के सामान्य ऑक्सीजन स्तर में गिरावट यानी फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जल में ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है, तो जो फ्रेंड्स जो ऑक्सीजन की मात्रा उसमें फ्रेंड्स बहुत ही बड़ी मात्रा में क्या जाती है फ्रेंड्स, गिरावट आ जाती है। जल जलित जान कह सकते हैं कि महामारी यानी फ्रेंड्स जो जल से होने वाले जो कुछ महामारियां ने फ्रेंड्स बहुत जल से जो रोग है वो उत्पन्न हो जाते हैं, तथा अन्य और भी दुष्प्रभाव जो देखने को दिखाई पड़ते हैं तो उसे फ्रेंड्स क्या कहते हैं, जल प्रदूषण कहते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जल प्रदूषण क्या है, कि जब प्रकृति के अन्य स्रोतों से वह पदार्थ जल में मिल जाते हैं जिनका दुष्प्रभाव जीव के स्वास्थ्य पर पड़ता है, जल में विषाक्तता आ जाती है, जल के सामान्य ऑक्सीजन स्तर में गिरावट आ जाता है, जल जनित महामारियां फैलने लगती हैं, वह अन्य सभी दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं, तो उसे फ्रेंड्स कहते हैं जल प्रदूषण। तो आई होप आप सभी को जल प्रदूषण समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स किसके बारे में मैंने फ्रेंड्स और भी एक कह सकते हैं कि अमेरिकी जन स्वास्थ्य सेवा के अनुसार भी लिखा है कि यहाँ पर जल प्रदूषण की आप लोग परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे, चलिए फ्रेंड्स इसे भी देख लेते हैं। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी को थोड़ा अमेरिकी जन स्वास्थ्य सेवा के अनुसार कुछ यहाँ पर इस प्रकार से लिखा जो कोटेशन है आप सभी को यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी थोड़ा फोकस करके देखना, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट ये भी है कि जल में किसी भी कह सकते हैं कि प्रकार की यानी फ्रेंड्स क्या कि जल में किसी भी प्रकार की अवांछित पदार्थ की उपस्थिति जिसके कारण जल विशेषताओं में कमी होकर घातक प्रभाव हो या जल की उपयोगिता में कमी आती है जल प्रदूषण कहलाता है। फ्रेंड्स आप लोग बहुत ही जबरदस्त पॉइंट ये भी है कि जल में किसी भी प्रकार के अवांछित पदार्थ कह सकते हैं जो वेस्ट मेटेरियल होते हैं उनकी उपस्थिति जिसके कारण जल विशेषताओं में कमी होकर घातक प्रभाव यानी फ्रेंड्स क्या कि जल की विशेषता है पर जो जल की विशेषता है वो अपनी विशेषताओं को ना दिखा पाए, अपनी विशेषताओं में कमी पाए और फ्रेंड्स कुछ घातक प्रभाव दिखाए, क्या दिखाए फ्रेंड्स जल के अपनी विशेषताओं को ना दिखाकर कुछ घातक प्रभाव दिखाए और फ्रेंड्स जल की उपयोगिता यानी फ्रेंड्स जब गंदा मटेरियल होगा तो उसको फ्रेंड्स कोई उपयोग भी नहीं करेगा, तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा कि जल की उपयोगिता में कमी भी आ जाए तो उसे फ्रेंड्स क्या कहते हैं, उसे फ्रेंड्स जल प्रदूषण कहते हैं, क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो उसे ही जल प्रदूषण कहते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जल में किसी भी प्रकार के अवांछित पदार्थ की उपस्थिति जिसके कारण जल विशेषताओं में कमी होकर घातक प्रभाव हो या जल की उपयोगिता में कमी आती है जल प्रदूषण कहलाता। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जल प्रदूषण क्या है। तो फ्रेंड्स आप सभी को ये टॉपिक है फ्रेंड्स, पहला हमारा टॉपिक जल प्रदूषण आप सभी को समझ में आ गया हो तो जरूर से जरूर मैं फ्रेंड्स आप सभी से हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस वीडियो को क्या करें फ्रेंड्स, लाइक तो कर ही दीजिए। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सेकंड टॉपिक या सेकंड पॉइंट आखिरकार क्या है, यानी फ्रेंड्स जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो फ्रेंड्स भूस्खलन, यानी फ्रेंड बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है भूस्खलन। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि भूस्खलन आकर क्या होता है। मैंने फ्रेंड्स इसके बारे में लिखा है कि भूस्खलन एक भूवैज्ञानिक घटना है फ्रेंड्स, क्या है तो फ्रेंड्स जो भूस्खलन है ये फ्रेंड्स एक भूवैज्ञानिक घटना है जिसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि धरातलीय हलचल यानी फ्रेंड्स जिसमें धरातलीय हलचल होते हैं, जैसे क्या फ्रेंड्स होता है जिसमें फ्रेंड्स होता है पत्थर खिसकना या गिरना, पथरीली मिट्टी का बहाव इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। फ्रेंड्स कह सकते हो जो फ्रेंड्स भूस्खलन होता है जिसमें फ्रेंड्स जो भूम होते हैं वो फ्रेंड्स हमारे जगह जगह पर ढह जाते हैं, कह सकते हैं कि उसमें बहुत ज्यादा दरार पड़ जाता है और फ्रेंड्स कह सकते हैं जो पत्थर होते हैं वो फ्रेंड्स अपने स्थान पर खिसकने लगते हैं, पतली मिट्टी का बहाव होने लगता है, कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे हलचल मचने लगते हैं, तो वही फ्रेंड्स हम लोगों का कहलाता है भूस्खलन। तो आपको पास को समझ में आ रहा होगा कि भूस्खलन क्या है, तो कह सकते हैं कि भूस्खलन एक भूवैज्ञानिक घटना है जिसमें फ्रेंड्स धरातलीय हलचलों होते हैं, जैसे फ्रेंड्स क्या होता है कि जैसे पत्थर खिसकने लगता है या गिरने लगता है, कह सकते हैं कि पथरीली मिट्टी का बहाव होने लगता है इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे फ्रेंड्स मैं अभी आगे आपसी को बताऊंगा कि किस प्रकार से होते हैं, यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करना, मैं फ्रेंड्स यहाँ पर नॉर्मल रूप से आपसे के लिए मैंने लिखा है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि भूस्खलन क्या है, तो भूस्खलन एक प्रकार की भूवैज्ञानिक घटना है जैसे फ्रेंड कुछ धरातलीय हलचल होते हैं, जैसे फ्रेंड पत्थर खिसकने लगता है या गिरने लगता है, कह सकता है कि पथरीली मिट्टी का बहाव होने लगता है इत्यादि, ये फ्रेंड्स भूस्खलन क्या है फ्रेंड्स उदाहरण है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम इसके प्रकार के बारे में भी देख लेते हैं कि भूस्खलन कई प्रकार के हो सकते हैं, यानी फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स भूस्खलन होता है इसमें फ्रेंड्स ऐसा ही नहीं है कि कोई जमीन हिट है तो वही फ्रेंड्स हमारा भूस्खलन कहलाया, फ्रेंड जो हमारा भूस्खलन होता है ये फ्रेंड्स कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे फ्रेंड्स कह सकते हैं कि और इसमें चट्टान के छोटे छोटे पत्थरों के गिरने से लेकर बहुत अधिक मात्रा में चट्टान के टुकड़े और मिट्टी का बहाव शामिल हो सकता है, यानी फ्रेंड्स क्या कि भूस्खलन कई प्रकार के हो सकते हैं और इसमें चट्टान के छोटे छोटे पत्थरों की गिरने से लेकर फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो चट्टान है इनके छोटे छोटे पत्थर गिरने से लेकर बहुत अधिक मात्रा में चट्टान के टुकड़ों और मिट्टी का बहाव भी शामिल हो सकता है, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि भूस्खलन में चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े ही नहीं गिरते हैं बल्कि इसके अलावा चट्टान के बड़े बड़े टुकड़े और फ्रेंड्स जो मिट्टी का बहाव है वो भी फ्रेंड्स भूस्खलन में क्या फ्रेंड्स है शामिल है। और साथ ही साथ देखिए फ्रेंड्स यहां पर आगे मैंने क्या लिखा है, तो मैंने फ्रेंड्स इसके आगे भी लिखा है
कि तथा इसका विस्तार कई किलोमीटर की दूरी तक हो सकता है। यानी फ्रेंड्स ये जो कह सकते हैं कि जो ये बालू बहे जो चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े गए ये फ्रेंड्स कई किलोमीटर तक गिर सकते हैं। ऐसा फ्रेंड्स नहीं कि बस एक ही जगह पर गिरा फ्रेंड्स वहीं पर गिर कर रह गया, ये फ्रेंड्स कई किलोमीटर तक जा सकते हैं। यानी फ्रेंड्स बहुत ही तेजी से भूस्खलन होता है, कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा गंभीर कह सकते हैं बहुत ही बड़ा समस्या है ये फ्रेंड्स है कि भूस्खलन किसी जगह पर आता है। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को यहाँ पर थोड़ा बहुत और फोकस कर देख रहा होगा क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को मैंने यहाँ पर बहुत ही डिनोटेड पॉइंट में बहुत ही जबरदस्त पॉइंट लिखी है कि इसमें चट्टान के छोटे छोटे पत्थरों के गिरने से लेकर बहुत अधिक मात्रा में चट्टान के टुकड़े और मिट्टी का बहाव शामिल हो सकता है तथा इसका जो विस्तार है वो फ्रेंड्स कई किलोमीटर की दूरी तक हो सकता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि मानव गतिविधियों जैसे कि पेड़ों और वनस्पतियों के हटने से, यानी फ्रेंड्स जो मानव गतिविधियां हैं इनके अनुसार जैसे क्या होता है फ्रेंड्स मानव को पेड़ों को कटाई लगातार उसकी कर रहा है या फिर जो वनस्पतियां उनको फ्रेंड्स बार बार हटा रहा है। तो इसी प्रकार से कह सकते हैं कि मानव गतिविधियों जैसे कि पेड़ों और वनस्पतियों के हटने से सड़क किनारे खड़ी चट्टान के काटने या पानी की पाइपों में रिसाव या पहाड़ी क्षेत्रों में निर्वनीकरण तथा भारी बारिश से भी फ्रेंड्स भूस्खलन हो सकता है। तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स भूस्खलन किस किस प्रकार से हो सकता है, तो फ्रेंड्स जो भूस्खलन है ये फ्रेंड्स मानव की गतिविधियों जैसे कि पेड़ों और वनस्पतियों के हटने से, यानी किससे फ्रेंड्स तो पेड़ों और वनस्पतियों के हटने से सड़क किनारे जो खड़ी चट्टान है उसके फ्रेंड्स काटने से, कह सकते हैं कि पानी की पाइपों में रिसाव होने से, यानी फ्रेंड्स क्या कि पानी की पाइपों में रिसाव होने से या कह सकते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में निर्वनीकरण होने से और काफी मात्रा कह सकते हैं भारी मात्रा में बारिश होने से फ्रेंड्स क्या हो सकता है भूस्खलन हो सकता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि भूस्खलन हम भूमि को ढहने से ही नहीं कह सकते हैं या फ्रेंड्स छोटे छोटे चट्टानों के गिरने से, कह सकते हैं कि छोटे छोटे चट्टानों के गिरने से लेकर बड़े बड़े चट्टानों तक कह सकते हैं गिरने तक और साथ ही साथ फ्रेंड्स मिट्टियों के बहाव से लेकर जो फ्रेंड्स कई किलोमीटर तक जा सकते हैं इन सभी को फ्रेंड्स, और फिर साथ ही साथ इसके फ्रेंड्स पेड़ों और वनस्पतियों के हटने से सड़क के किनारे जो खड़ी चट्टान उनके फ्रेंड्स कटने से पानी की पाइपों में रिसाव होने से पहाड़ी क्षेत्रों में निर्वनीकरण से होने और भारी जो बारिश है इनकी मात्रा होने से फ्रेंड्स हम लोगों का भूस्खलन होता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा भूस्खलन क्या है, ये फ्रेंड्स आप सभी को ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए हो। तो मैं फ्रेंड्स आप सभी से हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस वीडियो को क्या करें फ्रेंड्स लाइक दीजिए, चैनल पर नए हो फ्रेंड तो मैं आप सभी से हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। साथ ही साथ आप लोग ज्यादा से ज्यादा ये कमेंट करके बताएं कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, वह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या, तो फ्रेंड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो फ्रेंड से ज्यादा इस वीडियो को क्या करते हैं फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।